जाना मैया झाड़ू लगाती जा रही है और बर्तन साफ करने के बाद तब चली और ये कहा ब्राह्मण ने, तारा अगर तेरा बेटा मर गया हो तो उसे मेरे घर मत लाना, वहीं फेंक आना। आज वो माँ चली है अपने बेटा को ढूंढती जा रही है, मेरे लाल चुकाए। और जैसे अपने बेटा को देखा और मुख से झाग आ रहे थे और अपने बेटा को घोंटू पर रख लिया, बेटा तू भी मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। और रो करके माँ बोली, तारा बेटा आर चेत गर्भ में रही और नींद भरी सोई न काया। बेटा मुझे थोड़ी सी आवाज सुना दे मेरे लाल। पुत्र रोता सोला मैया, आप रोना के लीनो जन्म सो मरत है यो धीर दिल को दीजियो। एक बार पुचकार के
मुँह पे प्यार मैया कीजियो। आप रो ना, जो प्राणी जन्म लेके आता है ना उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बने जात जंजीर। माँ आप रो ना, सोई तारा और रो करके जवाब दे रही है परमात्मा ये मेरा भाग्य कैसा है जो परमात्मा ने मुझे दर दर भटका दिया। और रो करके तारा बोलिए गाएंगी सभी मेरी माता बहन भाई बंधु। अरे मेरे सब कर्म ना को लेख और विधाता जाई जन्म में दिया। मेरे सब कर्म ना को लेख विधाता। और तारा बोली है परमात्मा रजधानी को कोई काशी बिकी गए आए कोई काशी बिकी गए आए ने मना कर दिया। मां मत रो, आज बेटा ने राम राम कह के अपने प्राणों को छोड़ दिया। मैया तारा पिलक रही है उससे ऐसे बात करती है। अब ये कुछ बोलने वाला हो आपने देखा होगा अगर मेरी किसी माँ का जवान बेटा हो ना और वो खत्म हो जाए फिर उसे अपने तन का होश नहीं रहता कि मेरे सामने कौन बैठे। सारी लोग लाज खो देती है, सर खुल जाता है, साड़ी सर से उतर जाती है, केस खुल जाते हैं और उस बेटा से ऐसे बात करती है। ये अब कुछ बोलने वाला हो बेटा मुझे थोड़ी आवाज सुना दो। एक माली आ गया बोला बहन तुम्हारे बेटे की लाश पकड़ जाएगी इसे ले जाओ।
माँ ने आधी साड़ी को फाड़ा, अपने बेटा का तन ढक दिया। माली की बात को मान करके और अपने बेटा की लाश को उठाया और छाती से लगा करके चल देती है और मरघट की ओर चली। क्या कर रही है माँ? कि मरघट जाई रही मरघट में जैसे ही पहुंची तो क्या देखा? उस लाश का दाह संस्कार करना चाहा। हरिसन आगे बोले, कौन हो जो आधी रात के वक्त मुझे तुमने जगा दिया? बोले, पिया मैं तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है, इसका दाह संस्कार करने को आई हूं। बोले, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, पहले इसका दे दो टका, तब आपकी लाश का दाह संस्कार हो पाएगा। बोले, पिया तुम आप हमें साथ मतलब पहचान नहीं पा रहे, मैं आपकी पत्नी हूँ तारा। बोले, हाँ मैंने पहचान लिया, तुम मेरी पत्नी तारा हो। तुमने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा था, मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, तो मैं भी अपने मालिक को एक टका के ऊपर धोखा नहीं दूंगा। इस लाश का टका दे दो, तब दाह संस्कार करना। मैया के पास में तो कुछ है ही नहीं, केवल आधी साड़ी बची है ना, टका के रूप में उस आधी साड़ी को दे दिया। अब कहा, फिर लाश का दाह संस्कार किया है, करने के बाद अब मैया के तन का होश नहीं रहा, दुख की मारी मात, या तो दुख में इंसान को भूख लगती है या फिर इंसान को नींद आती है। आज दुख की मारी मात उस मरघट से चली, नंगर से बाहर पहुंची, एक मंदिर था उसमें जाके लेट गई, मैया को नींद आ गई और इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ो, गए एक मरे हुए बालक को ले आए, उसके मांस के लोथरा बनाए, काटे और मैया तारा के मुंह की ओर डाल दिए। काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, तुम्हारे नंगर में एक डाहन आ गई है, वो छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती है, उस डाहन का पत कर दो। चलो, ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने कालू नेत्र से कहा, और कालू मेहतर ने इसने हरिसन से कह दिया, हरिया जाइए, उस मंदिर में एक डहन आ गई है, वो छोटे छोटे बच्चों को मार के खाती है, तुम जाओ उसे मार के आओ। और जैसे ही चले, हरिसन ने तलवार को उठाया, देखा तारा तो बाजी बाह, अरे तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम दूसरे के बच्चों को मार मार के खाना चाहती हो, पर मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, देखना धर्म की कातर। जैसे ही तलवार उठाई मारनी चाहिए, पीछे से विश्वामित्र और भगवान आ गए, पकड़ लिया, ठहर जाओ,